विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। इंडिया साउथ अफ्रीका मुकाबले में विराट कोहली की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक तो बर्थडे और ऊपर से 49वां वनडे शतक। जी हाँ, इंतजार खत्म हो गया है। किंग कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपना 49वां शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट ने 119 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट वनडे वर्ल्ड कप में दो बार अपने 49वें शतक से चूके थे। पहली बार वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन पर आउट हो गए थे और दूसरी बार श्रीलंका के खिलाफ 88 पर जब आउट हुए तो फैंस पूरी तरह निराश हो गए। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर की तारीख को विराट कोहली ने ऐतिहासिक बना दिया है। खुद के जन्मदिन पर इससे बढ़िया तोहफा शायद ही कुछ होता। शतक जड़ने के बाद विराट ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। विराट ने कहा, हमें अच्छी शुरुआत मिली, मेरा काम था मोमेंटम बनाए रखना। मिडिल ओवर्स में बॉल ग्रिप कर रही थी और अटक रही थी। मैं और श्रेयस चाहते थे कि पारी को लंबा करें। रोहित शुभमन के आउट होने के बाद मुझे लंबा खेलना था, मेरा यही रोल रहा है। हमने सोचा नहीं था कि हम 330 तक पहुंचेंगे, पर आप मैच को लंबा लेकर जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। एशिया कप से पहले मैंने और श्रेयस ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। हमने सोचा था कि हमें यही करना है। हम दोनों लगातार स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे। हमारी समझ अच्छी है और इसलिए ही हमने अच्छी पार्टनरशिप बनाई। इंडिया के लिए खेलना ही बहुत बड़ा मौका है। बर्थडे पर ऐसा करना एक सपने जैसा है। मैं लकी हूँ ये कर पाया। फैंस ने भी बहुत प्यार दिया है। 326 एक अच्छा स्कोर है। बॉल अटक रही थी, हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं और उम्मीद है हम इस टोटल को डिफेंड कर लेंगे। विराट कोहली ने ये तमाम बातें अपने 49वें शतक के बाद कही हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतकों की। अगर सबसे ज़्यादा शतकों की बात करें तो 49 शतकों के आंकड़े को भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले छुआ था। 463 मैचों में सचिन ने 44.83 की औसत से 18,426 रन अपने करियर में बनाए। अब विराट कोहली ने तो 290 से भी कम मुकाबलों में 49वां शतक पूरा कर दिया है। इसके बाद रोहित शर्मा का नाम है जिन्होंने अब तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 शतक जड़े हैं। फिर आते हैं रिटायर्ड हो चुके रिकी पॉन्टिंग जिनके नाम 30 शतक हैं और श्रीलंका के जयसूर्य ने भी 28 शतक बनाए हैं। भारत को रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित ने 24 गेंदों में 40 रन जड़ 5 ओवर में भारत को 60 रन तक पहुंचा दिया था। इसके बाद आए विराट कोहली। कोहली ने अपनी पारी को शानदार तरीके से पेश किया। केशव महाराज को संभाल कर खेलने के बाद विराट ने पेस बढ़ाया और फिर सेंचुरी के पहले पारी को धीमा कर दिया। इसके साथ ही विराट ने वनडे क्रिकेट के सबसे शानदार रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। यानी 49 शतक अब विराट कोहली के नाम हो गए हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड जब विराट मैदान पर उतरते हैं तो टूटते ही हैं। ये बात हुई विराट कोहली के शतकों की भारत और साउथ अफ्रीका मुकाबले की। लेकिन लल्लन टॉप की टीमें चुनावी यात्रा के लिए मैदान पर मौजूद हैं, जहाँ से वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रही हैं। अगर आप चुनावी कवरेज देखना चाहते हैं राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, मिजोरम का, तो लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, सही सही कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तू ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।